हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ये क्यूब का फर्स्ट लेयर सॉल्व करना, ये कर्नल पीस को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं उसके सही जगह पे। तो इसको अरेंज करने के लिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं सबसे पहले इसको स्क्रैम्बल कर देता हूँ और फिर आपको बताऊंगा। देख सकते हो ये पूरी तरीके से स्क्रैम्बल हो चुका है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लस बनाना पड़ेगा, तो प्लस तो आपको आता ही होगा एकदम, मतलब इजी पीजी। तो पहले मैं प्लस बना लेता हूँ। तो हमारा प्लस बन के तैयार हो चुका है। आपको ये ध्यान देना, अगर आपको कर्नर पीस मिलाना है तो उस कर्नर को उस लास्ट लेयर में तो लाना होगा, सारे कर्नर को लास्ट लेयर में लाना होगा। और आपको बता दूँ, कर्नर उसी को कहते हैं जिसके पास तीन फेस हो, जैसे कि ये कर्नर हो गया, ये कर्नर हो गया, क्योंकि इनके पास तीन फेस है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। देख सकते हैं एक दो तीन, इसी को हम कर्नर कहते हैं। तो कर्नर को अरेंज करने के लिए सबसे पहले सारे कर्नर को, जिस कर्नर को आपको अरेंज करना है उसको नीचे लेयर में लाना होगा इसे। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे क्या लगाना है, इस कर्नर यहाँ पे कौन सा कर्नर लगेगा, वाइट ब्लू और ऑरेंज। वाइट ब्लू और ऑरेंज लगाने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा वाइट ब्लू ऑरेंज किधर है, इधर है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसको नीचे नीचे के लेयर में लाना होगा। तो नीचे के लेयर में लाने के लिए एक बार इसे डाउन करें और लेफ्ट या फिर राइट करके इसको निकाल दें। दो बार लेकिन करना, लेफ्ट करो या फिर राइट करो, दो बार। तो एक दो इस, फिर इसको वापस से देख सकते हो हमारा आ चुका है नीचे के लेयर में। अब इसको लगना है यहाँ पे, क्योंकि देख सकते हो वाइट ब्लू ऑरेंज, वाइट ब्लू और ऑरेंज। तो यहाँ पे लगना है। तो आप वाइट प्लस बनाए हो तो इसका फेस देखो, वाइट का फेस देखो किधर है। ऐसे आपको क्यूब पकड़ो ऐसे, और इसका फेस देखो लेफ्ट मतलब राइट साइड पे है। तो राइट साइड पे है तो इसको एक बार राइट साइड करो, और जहाँ पे इसको लगना होगा उसको नीचे करो। जैसे यहाँ पे लगना है नीचे करो, फिर से उसको वापस करो और इसको भी वापस कर दो। देख सकते हो हमारा एक कर्नर अरेंज हो चुका है। अब बात कर लें हम अपनी दूसरी कर्नर की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगना है, वाइट ऑरेंज और ग्रीन लगना है। वाइट ऑरेंज और ग्रीन कर्नर देखो किधर, इधर है इधर। तो इसको पहले निकाल दो, एक बार नीचे करो, दो बार लेफ्ट या फिर राइट करो, फिर इसको ऊपर कर दो। और नीचे लेयर में आ चुका है, देख सकते हो सबसे लास्ट लेयर में। अब इसको अरेंज कर दो ऐसे, क्यूब को पकड़ो, देखो वाइट फेस किधर है, इधर है। तो लेफ्ट साइड करो, लेफ्ट साइड में था इसलिए हमने लेफ्ट साइड किया। अब उसको कहाँ पर लगना है, यहाँ पर लगना है, तो इसको नीचे करो, अब उसको वापस कर दो और इसको भी वापस कर दो। देख सकते हो हमारा दूसरा कर्नर भी जो है वो अरेंज हो चुका है। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी कॉर्नर की। तीसरी कॉर्नर में क्या यहाँ पे क्या लगना चाहिए, वाइट रेड और ग्रीन। वाइट रेड और ग्रीन लगाने के लिए सबसे पहले आप कॉर्नर को देखो, कॉर्नर किधर पे है, उसके ठीक नीचे है, ठीक नीचे। अगर कोई भी कॉर्नर का फेस वाइट के, वाइट को आप अरेंज कर रहे हैं, वाइट को अरेंज कर रहे हैं, तो उसका अगर फेस वाइट का नीचे है तो उसको करने के लिए सबसे पहले जहाँ पर लगेगा वो कॉर्नर, जहाँ पे लगेगा उसको नीचे करें, और उसको दो बार लास्ट लेयर को दो बार लेफ्ट या फिर राइट करें। मैं दो बार लेफ्ट कर रहा हूँ और फिर उसको वापस कर दे रहा हूँ। देख सकते हो वाइट फेस ऊपर आ चुका है। अब इसको जहाँ पे लगना है वहाँ पे लेके जाओ, और इसका फेस देख सकते हो किधर है, क्योंकि हम वाइट को अरेंज कर रहे हैं इसीलिए वाइट का फेस देखना पड़ेगा। वाइट का फेस राइट साइड में, तो राइट साइड में एक बार घुमाओ, जहाँ पे लगना होगा उसको नीचे करो, इसको वापस करो और फिर से इसको भी वापस कर दो। देख सकते हो हमारा तीसरा भी कॉर्नर लग चुका है। अब बात करते हैं लास्ट कॉर्नर की। तो लास्ट कॉर्नर को अरेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए, वाइट रेड और ब्लू। वाइट रेड और ब्लू तो कहाँ फेस, ठीक उसके नीचे ही है। तो इसका भी फेस देख सकते हो किस तरफ है, लेफ्ट लेफ्ट साइड और है। इसको भी लेफ्ट की ओर करो, जहाँ पे लगना होगा उसको नीचे करो और उसको वापस कर दो, और फिर इसको भी वापस कर दो। तो देख सकते हो फाइनली हमारा फर्स्ट लेयर बन के तैयार हो चुका है। सारी कॉर्नर को हमने अरेंज कर लिया है। अगर आपको प्लस बनाना आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करो, मैं इस पर भी एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, प्लस बनाने के लिए भी आपको सिखाऊँगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कि एक कॉर्नर मान लीजिए हमारा ऐसे, मतलब ऐसे देख सकते हैं यहाँ का कॉर्नर। वाइट फेस को हम लेफ्ट या फिर राइट होता है तो हम आसानी से
अरेंज कर देते हैं, लेकिन वही फेस अगर नीचे हो जाता है तो उसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना, मतलब अपना जनरल नॉलेज लगाना है। एक बार इसको नीचे करोगे तो ये देख सकते हो पीछे की तरफ ये ऊपर आ चुका है। अब इसको दो बार लेफ्ट या फिर दो बार राइट करके उसको हटा दो और फिर इसको ऊपर कर दो। देख सकते हो ये वाइट फेस हमारा लेफ्ट और राइट में आ चुका है, और इसको आप देख सकते हो ये राइट की तरफ है। तो एक बार राइट की ओर करो, राइट की तरफ करो और जहाँ पे लगना होगा उसको नीचे करो और इसको वापस कर दो और उसको भी वापस कर दो। देख सकते हो मिल चुका।